अब इस भाई से पूछो कि तूने तो कुरान पढ़ा नहीं है, कुरान कहता है ये नबी शायर नहीं है, ठीक है? मा अल्लाहु शिअरा वमा यंबगीला, ना हमने इस नबी को शेर कहना सिखाया है और ना ये इनकी शान के लायक था। तो ये अल्लाह पे भी फतवा लगाएगा कि अल्लाह ने ये बात क्यों की है कि शायर नहीं है। कुरान के अंदर सूरह अल मुनाफिकून में आया कि ये मुनाफिक कहते हैं कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो इन जलीलों को निकाल दें, यानी मुनाफिकीन ने नबी इस्लाम उनके साथियों को जलील कहा, अल्लाह ने वो जुमले नकल किए होंगे। फिर कहानियां कराते हैं जी, एक दफा जी एक आशिक रसूल का और एक गुस्ताख रसूल का, और गुस्ताख रसूल हमेशा कलमा को वो कह रहे होते हैं, यहूदी ईसाई को नहीं। तो अगले दिन उसने कहा मैं मुनाजरा बाद में करूंगा, पहले मुझे बताओ तुम पूरी रात कुरान में कौन सी आयतें ढूंढते रहे हो जिनमें हुजूर के बारे में गुस्ताखी आई हुई है, नक्स आया हुआ है, और मैं पूरी रात जो है ना कुरान में से हुजूर की अजमत की बातें जो है ना वो सुनता रहा। तो इसी पे जनाब वो बरेलवी मुनाजरा जीत के, और लानत है तुम्हारे सकीदे पे कि कुरान में कोई ऐसी आयत है जिससे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती है। बेशर्मो, वो जितनी आयत है वो नबी की गुस्ताखी नहीं है बल्कि नबी और अल्लाह का फर्क करती है। और वो आयतें आज हमारे पास सबूत है कि इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह है, वरना कोई शख्स भी अपने बारे में इतनी इतनी सख्त लैंग्वेज यूज ना करे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में आई है। सुने सूरतुल नाम में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी अगर तुमसे हो सकता है ना तो जाओ जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लो या आसमान में कोई सीढ़ी लगा लो, और मुर्जा तुम दिखा सकते हो तो लाके इन्हें दिखा दो, हम तो मुर्जा नहीं दिखाएंगे, और तुम जाहिलों में से ना हो। ये बात सूरह बनी इसराइल में है कि ऐ नबी करीब था कि आप भी काफरों की तरफ थोड़ा सा झुक जाते, यानी ये नहीं कि उनके अकीदे की तरफ, मुराद ये कि वो कहते थे थोड़ा कंप्रोमाइज करो, थोड़ा हाथ होला रखो हम पे, अगर हम आपका दिल ना थाम लेते और अगर आप काफरों की तरफ झुक जाते, ये तो हमने आपको थाम लिया था, तो हम आपको दुनिया की जिंदगी में भी दुगना अजाब देते और आखिरत की जिंदगी में भी दुगना, और आपको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई ना होता। फिर सूरतुल हाका में अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये नबी अपनी तरफ से कोई बात हमारी तरफ मंसूब कर दें जो हमने वही नहीं की, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी शहरत काट दें और कोई तुम में से इस नबी को हमसे ना बचा सके। यार अगर ये रसूलुल्लाह ने खुद किताब लिखी होती तो ये बातें ना होती कुरान में। ये वो आयात है जो हम काफरों को पेश करके मनवाते हैं कि ये किताब का राइटर अल्लाह है, और ये खबीस सो कांड आजकल रसूल टोके उठाए हुए ये इन आयतें पढ़ने पे हमें गुस्ताखे रसूल कहते हैं। इनके डंगरपन का आप अंदाजा कर, इनके डंगरपन का आप अंदाजा कर ले, ठीक है? तो इसलिए खुदा के लिए एक गरीब उतु बदतमीज अलिफ बे नहीं आती दीन की, ना कुरान पढ़ा ना सुन्नत, ना तुम्हारे उन बुजुर्गों ने कुरान और सुन्नत पढ़ा जिनके तुम लोगों ने मजार बनाए हुए हैं और जिनके नाम के ऊपर खा खा के देंगे। हम सुनाते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, वो कहते हैं सुल्तान बाबू नहीं सी पता, और नहीं सी पता यार, मन लोड़ जी। सुल्तान बाबू ने फरमाया जी सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कंध हर के हु, बेड़ा मेरा बिच खपरा ले जिते मच के हु, बेड़ा मेरा बिच खपरा ले जिते मच भी ना बहते डरते हु,